हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ पार्टी वियर साड़ी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप इस सीजन पहन सकते हैं। ऑल ऑफ दिस साड़ीज आर गोइंग टू बी टॉप नॉच, एंड हर साड़ी के साथ मैं आपको स्टाइलिंग टिप्स भी शेयर करूँगी हर बार की तरह। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जम्प इन टू द वीडियो। और राइट, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट साड़ी, नेट साड़ीज आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। मैंने अपने मिंत्रा वाले हॉल वीडियो में भी आपके साथ दो डिफरेंट नेट साड़ी शेयर करी थी कुछ इस तरह से। एंड इस बार भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले नेट साड़ी लेके आई हूँ, क्योंकि वापस से नेट साड़ियों का ट्रेंड आ चुका है। सो एज यू कैन सी, ये जो है ये पिंक कलर में मुझे इस तरह से ये साड़ी दिखी थी। ये नेट फैब्रिक के ऊपर प्रॉपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी हैवी एम्ब्रॉयडरी एज यू कैन सी, एंड इसमें जो कलर्स की डिटेलिंग दी हुई है, डिफरेंट कलर्स की डिटेलिंग, आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स लाइक गाइज। नीचे इस तरह से ये टैसल्स की डिटेलिंग दी हुई है। ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल साड़ी। कोई भी इस साड़ी को देखेगा तो ये ज़रूर कहेगा कि यार ये साड़ी तुमने कहाँ से ली है, बड़ी ही प्यारी लग रही है। एंड स्पेशली इस सीजन में इस तरह के पेस्टल कलर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। ऑल्सो मैंने इसके साथ और भी डिफरेंट कलर देखे थे वेबसाइट पे, बट मुझे पर्सनली ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। नाउ इसके साथ जो ब्लाउज आएगा सेम यही नेट मटेरियल में, एंड सेम इसी में आपको फ्रंट एंड बैक की डिजाइन दी हुई है। दैट्स एन अनस्टिच ब्लाउज, बट इफ़ यू नो मी वेल, मैं जो हूँ, मेरे पास जो ऑलरेडी ब्लाउजेज हैं उनके साथ मिक्स एंड मैच करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्या किया, इसको ना स्टिच करा के मेरे पास नूडल स्ट्रैप वाली ये ब्लाउज थी, इसको कलर कंट्रास्ट किया है। सो जनरली ये इस तरह के कलर्स जो होते हैं ना, उनके साथ पिंक कलर के साथ वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि एक बार वाइट बेस की ब्लाउज के साथ मैं इसको स्टाइल करूँ। तो मेरे पास ये, अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरह पे हल्का सा पिंक डॉट्स भी हैं, यहाँ पे हल्का जो डिज़ाइन दिया हुआ, जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। एंड दिस इज़ हाउ द ब्लाउज लुक्स लाइक, एंड दिस इज़ हाउ द साड़ी लुक्स लाइक गाइज। और ये जो साड़ी है ना, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी हैवी। इसमें हल्का हल्का आपको ये स्टड्स वाला भी डिटेल दिया हुआ है। मैं लाइट में लेके आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। आई होप यू कैन सी दिस। सो कुछ इस तरह से ये आपको दिखेगा, बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये। एंड इसको हम कैसे स्टाइल करें, इस पे आते हैं। तो जैसे मैंने आपको ब्लाउज बताया, यहाँ पे आप चाहो तो पिंक कलर के ब्लाउज को स्टाइल कर सकते हो, अगर आपके पास सेम इस टोन में है तो। मैंने जैसे कॉन्ट्रास्ट किया है, अदरवाइज आप वैसे भी कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। इनमें जो भी कलर है इस एम्ब्रॉयडरी में, उनको पिक करके आप स्टाइल कर सकते हो अपना ब्लाउज। तो मैंने पहले सोचा कि पिंक कलर को ही पकड़ के पूरा एक्सेसराइज करूंगी, बट फिर मैंने सोचा वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कर रखती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे आप ब्लाउज देख रहे हो ना मेरा, वाइट कलर को पकड़ के मैंने पर्ल, आजकल अगेन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, उसके लिए मैंने ये ड्रॉप पर्ल्स लिए, एंड देन आई वेंट अहेड विद दिस पर्ल नेकलेस। काफ़ी सारी साड़ियों के साथ पर्ल नेकलेसेस चले जाते हैं, दे आर वर्सटाइल एंड दे लुक रियली रियली क्लासी। सो मैंने भी कुछ इस तरह से इसको स्टाइल किया है। यहाँ पे हाउएवर बैंगल्स को लेके मैंने सोचा कि एक बार पर्ल बैंगल को स्टाइल करूँ, बट थोड़ा सा मैं अगेन यहाँ पे ना एक डार्कर कलर देना चाहती थी, बिकॉज ऑफ विच आई वेंट अहेड विद दिस डार्क पिंक कलर में मैंने ये इस तरह से ये बैंगल्स टैग किया है। एंड नाउ लेट मी शो यू द फुटवेयर एंड हैंड बैग। फुटवेयर के लिए आई वुड टेक दिस ट्रांसपेरेंट स्ट्रैपी हील, दीज आर ऑल्सो इन ट्रेंड। एंड टू कम्प्लीट द लुक आई वुड टेक दिस बोहो बैग, इट हैज़ ऑल द कलर्स, पॉम पॉम्स एंड एवरी डिटेलिंग। सो थोड़ा सा देसी तड़का लगाते हुए मैं इसको स्टाइल करूँगी, एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। इस साड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 1648 रुपीज में मुझे करंटली अमेजोन पे दिख रहा है। सेम साड़ी को मैंने दूसरे तरीके से बस स्टाइल किया है। तो मैंने क्या किया ना कि जिन लोगों के लिए जो स्ट्रैपी नूडल्स नहीं पसंद करते हैं स्टाइल करना, यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज लिया है सेम कलर टोन में लिया है, एंड कहीं ना कहीं इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो भी काफ़ी मैच कर रही है मेरे इन एम्ब्रॉयडरी वर्क से। सो बेसिकली इट्स अ 3/4 लेंथ ब्लाउज, इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है। और चेंज मैंने क्या किया यहाँ पे, पहली चीज़ तो मैंने हेयर स्टाइल चेंज की है, थोड़ा सा मैंने कर्ल करके इसको अवे फ्रॉम माई फेस रखा है। एंड देन एक्सेसरीज में क्या चेंजेस किए हैं, सो पहले मैंने वाइट को पकड़ के वाइट पर्ल एक्सेसराइज किया था। नाउ यहाँ पे बिकॉज अब हमारा ब्लाउज भी सेम कलर टोन में आ चुका है, सो आई वॉन्टेड टू कीप
थिंग्स इन दैट सेम लाइन. तो यहाँ पे ये वाला जो नेकलेस है, ये चोकर नेकलेस, इसको स्टाइल किया है. चोकर इसलिए स्टाइल किया है मैंने बिकॉज वी हैव एम्पल रूम बिकॉज ऑफ द नेक लाइन ऑन दिस ब्लाउज. एंड इसके साथ मैंने ये इयररिंग ले रखी है जो इसी नेक पीस के साथ आई थी. मैंने लाजपत नगर से ये लिया था. नाउ अगेन मैं यहाँ पे जो मेन मेजर जो चेंज रख रही हूँ बस वो यही दोनों हैं. अदरवाइज जो मैं फुटवेयर एंड जो बैग लेने वाली हूँ वो सेम होने वाला है. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्टी वियर साड़ी. सीक्वेंट साड़ियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, हमेशा से ये ट्रेंड में रहती आई हैं. इनको बेसिकली हम सेलिब्रिटी स्टाइल सीक्वेंट साड़ियाँ भी कहते हैं. बहुत सारे सेलिब्रिटीज सीक्वेंट साड़ी पार्टी वियर सीजन में स्टाइल करते हैं. नाउ अगर आप किसी भी कॉकटेल फंक्शन के लिए या फिर किसी भी इवनिंग फंक्शन के लिए स्टाइल करना चाहते हैं एक साड़ी, आई वुड हैवली सजेस्ट यू टू स्टाइल अ सीक्वेंस साड़ी. नाउ ये जो सीक्वेंस साड़ी है इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल मिल जाएंगे अमेजोन पे. मुझे पर्सनली ये नेवी ब्लू कलर की साड़ी बड़ी अच्छी लगी थी. लेट्स टॉक अबाउट द डिटेलिंग हियर. सो सबसे पहले हम मटेरियल की बात करेंगे. जॉर्जेट मटेरियल में इस तरह से आपको ये सीक्वेंट वर्क दिया हुआ है. हल्का सा लाइट की तरफ मैं लेके जाना चाहूँगी ताकि आपको ये सीक्वेंट का भी वर्क दिखे. थ्रेड वर्क किया हुआ है ओवरऑल इस तरह से. थोड़ा पास मैं आपको दिखाती हूँ, थ्रेड वर्क है ये. एंड देन वी हैव द सीक्वेन डिटेलिंग गोइंग ऑन ऑल अराउंड. एंड ये जो सीक्वेन है ये कलर्स में है, लाइक देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ सीक्वेन, जिसकी वजह से ये साड़ी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ब्लैक और नेवी ब्लू, ये सारे जो टील कलर्स होते हैं, थोड़े डार्कर जो टोन वाले कलर्स होते हैं ना सिक्विन में, मुझे वो कलर्स पसंद आते हैं. तो बेसिकली इसीलिए मैं इस तरह के कलर्स को चूज़ करती हूँ जब भी मैं सिक्विन साड़ियाँ अपने लिए स्टाइल करती हूँ. तो ओके, सो ये थोड़ा सा रेगुलर साड़ी से हटके है. इसमें क्या है ना कि जो सिक्विन वर्क है, थ्रेड वर्क है, एंड देन इसके साथ जो अनस्टिच ब्लाउज आता है वो भी नेवी ब्लू कलर में है. इट्स अ प्लेन ब्लाउज अनलाइक द सिक्विन वर्क वी हैव ऑल अराउंड. सो मैं वो तो आपको दिखा ही रही हूँ, इसके साथ साथ अब हम इसको स्टाइल कैसे करेंगे. तो जैसा कि आपने देखा मैंने सेम कलर टोन नहीं रखा है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स एंड मैच किया है. सो यहाँ जो मैंने ब्लाउज लिया है ये ब्लैक कलर में है. ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. सो कलर चार्ट को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे वाइल वी आर स्टाइलिंग आवर एक्सेसरीज और ऐसे जो मिक्स एंड मैच करते हैं तब. सो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर में भी वी हैव अ लॉट ऑफ कलर्स ऑफ यू नो थ्रेड वर्क गोइंग ऑन ऑल अराउंड. एंड देन वी हैव दिस कटआउट वाली डिटेलिंग जो इस तरह से, ये देख लो बैक पे इस तरह से कटआउट डिटेलिंग है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा यू नो एकदम स्टैंड आउट कर रहा है. सो बेसिकली जो भी डिज़ाइन हमारे ब्लाउज में है इट्स ऑलरेडी देयर इन आर दिस साड़ी. तो ये पर्टिकुलर ब्लाउज मैंने चूज़ किया है. इस ब्लाउज को मैंने कई बार आप लोगों को शेयर भी किया हुआ है कैसे स्टाइल किया है मैंने डिफरेंट साड़ीज़ के साथ, एंड ये आपको बहुत पसंद भी आता है. ओके, सो इसमें अब मैं कैसे ये तो हो गई हमारी ब्लाउज की बातें. अब हम आते हैं एक्सेसरीज़ में. एक्सेसरीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने. इयररिंग जो ले रखी है एज यू कैन सी ये बड़ी वाली ह्यूज इयररिंग है मेरे पास. सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स हियर. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वी हैव दिस उल्टा चांद एंड देन वी हैव दिस डिटेलिंग. तो यहाँ पे जो स्टोन आप देख रहे हो ना, स्टोन का कलर हमारे आउटफिट से मैच कर रहा है. एंड बिकॉज ब्लैक कलर मैंने लिया है तो ब्लैक का ना कॉम्बिनेशन ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छा जाता है. सो कुछ इस तरह से ये हैवी इयररिंग ले रखी है मैंने. थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो इसलिए यू नो इस तरह के एक्सेसरीज को स्टाइल कर सकते हैं. आई एम स्किपिंग माई नेक पार्ट बिकॉज वी हैव अ ह्यूज इयररिंग यहाँ पे. एंड आपको ये बड़ा सा इयररिंग दिख रहा है, इट्स नॉट हैवी वैसे तो. तो इस तरह के इयररिंग्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि ना ही हैवी हो बट वो दिखते हैवी हो वैसा वाला. सो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा. इसके साथ जस्ट एक छोटी सी क्यूट सी बिंदी मैंने लगा रखी है. एंड देन टू कम्प्लीट द लुक आई विल टेक दीज हील. एंड ये भी आपने कई बार देखे होंगे अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो. एंड देन इसके साथ जो मैं क्लच ले रही हूँ वो है ये गोल्डन क्लच. एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. इस साड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे करेंटली 1269 का दिख रहा है अमेजोन पे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्टी वेयर साड़ी. थोड़ा सा हैवी साड़ी रखा है मैंने. सो ये जॉर्जेट मटेरियल की साड़ी है जिसमें आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन में ये इस तरह से थ्रेड वर्क किया हुआ है. पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसमें. एंड
पूरा ये जो आप देख रहे हो ना, हल्का सा लाइट में दिखाती हूँ, ये पूरा सिक्विन वर्क है। ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको रात में किसी भी ओकेजन पे पहनो तो। ये पूरा डिज़ाइन इतना मतलब अच्छा है, एंड इसमें कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह नहीं निकला हुआ, जिसकी वजह से ना ये मुझे और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लाइक एक जो डिटेलिंग होती है ना आपके डिज़ाइन में, और वो प्रॉपर फिनिशिंग है इसमें, इस तरह की साड़ी में। एंड इसमें एक्चुअली मुझे दो और कलर दिख रहे थे, सो इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ ब्लैक कलर ना, वो दोनों कलर भी आप चेकआउट कर सकते हो। मुझे पर्सनली, मैंने ये इसलिए रखा बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास और डिफरेंट कलर्स की साड़ी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए थे, तो मैंने कहा कि एक बार थोड़ा ब्लैक कलर में ये कैसा दिखेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड वाकई में जो इसमें थ्रेड वर्क है ना, जो कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक के ऊपर ये जो हल्का बेबी पिंक कलर का है ये एम्ब्रॉयडरी, एंड देन ग्रे कलर में एम्ब्रॉयडरी है, देन सिक्विन वर्क है, एंड ये जो आप देख रहे हो एकदम कॉफ़ी कलर में इस तरह से चॉकलेटी कलर का थ्रेड वर्क है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन का वर्क। एंड इसके साथ आता है अनस्टिच्ड ब्लाउज, जो कि कुछ इस तरह से है। ये प्लेन मटेरियल दिया हुआ है इन्होंने, सो आई डोंट नो, इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं जो इतनी प्रॉपर इतनी हैवी होती हैं, उनके साथ ये अनस्टिच्ड ब्लाउज इतना प्लेन सा क्यों दे देते हैं। खैर, उसको हटा के मेरे पास ये ब्रोकेड में मैंने ये स्टिच करवाया हुआ था अपने पास से ये, तो ये वाला जो आप ब्लाउज़, अगर आपने ध्यान, आपको ध्यान होगा, मैंने दिवाली दुर्गा पूजा के टाइम पर स्टिच कराया था इसको। सो मेरे पास एक्स्ट्रा फेब्रिक था, इससे मैंने ये स्टिच कराया है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग दिस साड़ी। अगर आप ब्रोकेड नहीं स्टाइल करना चाहते हो, क्योंकि ब्रोकेड एक ऐसा फैब्रिक है जो कि काफ़ी रिच लगता है, एंड ये काफ़ी एकदम इन्हेंस कर देता है लुक को, तो थोड़ा टोन डाउन या फिर सटल लुक रखना चाहते हो आप, तो इनमें से किसी भी कलर को आप पिक करके जॉर्जेट मटेरियल में ही आप ब्लाउज स्टाइल कर सकते हो, थोड़ा इजी ब्रीजी रहने के लिए। अदरवाइज ऑब्वियसली अगर रिच रखना है तो सिक्विन पैटर्न में ब्लाउजेज आप स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप ब्रोकेड तो ले ही सकते हो। नाउ यहाँ पे बिकॉज हमारे ब्लाउज एंड साड़ी इसमें ऑलरेडी इतना चार्म है कि मैंने ओवर एक्सरसाइज करके ध्यान भटकाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। सो यहाँ मैंने सिंपल एक बिंदी लगाई है, एंड देन वी हैव दिस ईयरिंग जिसमें इसमें मल्टीपल कलर्स के बीट हैं। इसको भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ, एक्सेसरीज एक बार लो लेकिन ढंग का लो, जो कि आप बहुत बार हर वैरायटी के साथ स्टाइल कर सको। इसके साथ जो मैं फुटवेयर लेने वाली हूँ वो ये ब्लैक कलर की हील है, एंड देन टू कंप्लीट द लुक आई वुड टेक दिस मेटालिक क्लच, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। इस साड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो करेंटली ये मुझे अमेजोन पे 1399 रुपीज़ का दिख रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेडिशनल प्रिंट साड़ी, ये पटोला साड़ी है जो कि गुजरात का सबसे फेमस प्रिंट है, एंड इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं ना ये सिल्क मटेरियल पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच आई केम अक्रॉस, मैंने सोचा आप लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी। यू कैन सर्टनली स्टाइल दीज इन एनी ओकेजन, चाहे वो पार्टी हो, फेस्टिवल हो, या फिर आपके घर पर पूजा ही क्यों ना हो। नाउ ये जो आप देख रहे हो ये सिल्क मटेरियल में है, इनमें ना यही एक कलर कॉम्बिनेशन मुझे दिखा था, हाउएवर आप काफ़ी डिफरेंट कलर्स के पटोला आपको दिख जाएंगे। नाउ ये जो आप देख रहे हो इसमें एक अनस्टिच ब्लाउज आया था, एंड इसको मैंने जैसा हर बार मैं करती हूँ डिच करके मैंने क्या किया है ना कि ये जो ब्लाउज मेरे पास ऑलरेडी था लाजपत नगर का, उसको स्टाइल किया। इट्स अ मॉडर्न ब्लाउज, थोड़ा सा हट के मैंने स्टाइल किया है। अगर आप चाहो तो ट्रेडिशनल ब्लाउज को भी स्टाइल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा रेगुलर ब्लाउजेस से हट के आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप आजकल के जो मॉडर्न ब्लाउजेस होते हैं ना उनको कैसे स्टाइल कर सकते हो ट्रेडिशनल साड़ीज के साथ भी। सो ये जो ब्लाउज है इसमें वी हैव द सेम काइंड ऑफ प्रिंट, एंड इट हैज ब्रोकेड वर्क एज वेल, इट हैज सिक्विन वर्क, एंड इट हैज ब्यूटिफुल बैकलेस डिटेलिंग। नाउ ये जो साड़ी है ये मुझे करेंटली अमेजोन पे 2469 रुपीज़ की दिख रही है, एंड लाइक बिलीव मी इट लुक्स अमेजिंग इन रियल लाइफ एज वेल। यहाँ पे मैंने कैसे स्टाइल किया है वो उसको एक एक करके ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ मैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने इयररिंग ले रखी है, एज यू कैन सी, तो इस तरह से मैंने ये इयररिंग ले रखी है जिसमें मल्टीपल कलर्स है विच इज़ ब्लेंडिंग विथ माई आउटफिट। मैंने हल्का सा अपने हेयर को कर्ल किया है आउटवर्ड्स की तरफ ताकि जो मेरा फेस है उससे थोड़ा सा
एकदम बल्की ना लगे, क्योंकि कई बार मैं नोटिस करती हूँ कि फ्लैट ऐसे अगर आपका हेयर स्टाइल रहता है ना तो आपका फेस भी थोड़ा बल्की लगता है. तो ट्राई टू गो विथ सम हेयर स्टाइल जो कि आपके फेस को सूट करे. सो ये ऑरेंज कलर के थोड़े बहुत बैंगल्स टैग कर ली हैं, एक छोटी सी ग्रीन कलर की बिंदी लगा ली है, एंड फुटवेयर में आई एम गोइंग अहेड विद दीज न्यूड फुटवेयर. एंड टू कम्प्लीट द लुक आई वुड टेक दिस गोल्डन क्लच जो कि मैंने आप लोगों को काफी बार दिखाया हुआ है. आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ पोटलीज या फिर कोई भी बैग जिसमें इस तरह के काफी मल्टीपल कलर ऐसे बीट्स दिखते हों जिनको आप मल्टीपल आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. ऑल राइट, सो पार्टी वियर है, सिक्विन वर्क की बात क्यों ना हो. सिक्विन में मैंने आपको दो डिफरेंट साड़ियाँ तो ऑलरेडी इस वीडियो में दिखा दी है. एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्विन वर्क मुझे दिखा था जो कि प्लेन जो इस तरह से आप देख रहे हो साड़ी इसके ऊपर, दिस इज अ जॉर्जेट मटेरियल, इसके ऊपर ये इस तरह से ये सिक्विन वर्क की डिटेलिंग दी हुई है. दिस इज समथिंग वेरी बेसिक. कैसे आप स्टाइल कर सकते हैं इस तरह की साड़ियों को जो एकदम सिंपल लगे और आपको क्राउड से स्टैंड आउट कराए. नाउ पहले तो मैं आपको इसका अनस्टिच्ड ब्लाउज जो आता है ना पहले वो मैं दिखाना चाहूँगी. साड़ी के साथ ये अनस्टिच्ड ब्लाउज आता है जो कि एक फ्रंट में आएगा एंड देन दिस इज अ सीक्वेंट डिटेलिंग एंड इस तरह से ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो दिया हुआ है. एंड जो ये वाली है ये आप एज अ लाइनिंग यूज़ कर सकते हो. खैर इसको तो हम डिच करेंगे. तो ये जो है सिंपल सी साड़ी ये थ्रू आउट इस तरह से ये रनिंग वर्क किया हुआ है, ये आंचल है एंड देन ओवरऑल साड़ी भी इसी तरह का ही है. नाउ इस तरह की जो सिंपल साड़ियाँ होती हैं इसको हम थोड़ा एक्सेसराइज करेंगे ब्लिंगी ब्लाउज से. तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये पर्ल ब्लाउज लिया है जो कि वाइट ऑन वाइट थ्योरी पे जाएगा. सो इसको मैंने इस तरह से स्टाइल किया. अगर आप चाहो तो जैसे ब्लाउज में कटआउट था उस तरह के ब्लाउजेस को स्टिच करा के आप कर सकते हो, या फिर ये जो आप सिक्विन वर्क देख रहे हो इसको पकड़ के आप सिक्विन वर्क वाली जो ब्लाउजेस होती हैं उनको स्टाइल कर सकते हो. नाउ इनमें से मैंने सिर्फ चूज़ किया है कि मेरे पास ये पर्ल ब्लाउज है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी और अच्छे भी लगते हैं, इनको स्टाइल करूँ. दिस इज़ द ब्लाउज विच आई एम गोइंग टू स्टाइल. लेकिन यहाँ पे वाइट ऑन वाइट को ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा कलर एड ऑन किया है अपने एक्सेसरीज के थ्रू. तो एक्सेसरीज में मैंने क्या रखा है, इयररिंग रखी है जो कि इस तरह से आप देखो मरून कलर है एंड देन वी हैव येलो कलर. सो कुछ इस तरह से आपको ये इयररिंग दिखेगी एंड इसके साथ साथ जो मैं बैग ले रही हूँ पोटली ले रही हूँ जस्ट टू कीप थिंग्स अलाइन. सो ये वाला पोटली ले रही हूँ मैं, वी हैव मरून कलर एंड गोल्डन कलर. इस सो ये जो पोटली है यहाँ पे नीचे इस तरह से ये देखिए सीक्वेंट वर्क किया हुआ है तो ये हमारे आउटफिट के साथ भी जा रहा है एंड दिस मरून कलर इज़ गोइंग विथ आर एक्सेसरीज. तो ये प्रॉपर ब्लेंड हो रहा है, एक अलाइनमेंट बना रहा है एंड कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है, इट्स नॉट ब्रेकिंग योर लुक. ठीक है, अब हम आते हैं अपने फुटवेयर के ऊपर. सो फुटवेयर के लिए आई वुड स्टाइल दीज हील्स अगेन क्योंकि हमारा यही सबसे नियरेस्ट मेरे पास ये जो फुटवेयर है जो कि इस पर्टिकुलर सिक्वेंट वर्क के साथ जा रहा है. इस साड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 964 रुपीज़ का करेंटली दिख रहा है अमेजोन पे एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस. ऑलराइट, सो वी हैव कम टू द लास्ट साड़ी ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज़ इन तुसार सिल्क मटेरियल. आई लव हाउ इट लुक्स लाइक गाइज. बहुत ही प्यारा प्रिंट है ये, काफ़ी सटल है, सोबर है एंड काफ़ी एथनिक वाइब देता है द ट्रॉपिकल प्रिंट. आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स लाइक. पूरा का पूरा जो ये प्रिंट है ना, आजकल इस तरह के प्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे वो वॉलपेपर ही क्यों ना हो हर तरफ आपको ट्रॉपिकल प्रिंट्स मिलेंगे. देसी प्रिंट है ये एंड ये काफ़ी आजकल ट्रेंड में है एंड इसलिए मैंने सोचा कि एक देसी प्रिंट भी आप लोगों को दिखाऊं. सो दिस इज हाउ द साड़ी लुक्स लाइक. इसका आंचल है ये एंड ये इसका बॉर्डर सेक्शन है. सो इसके आंचल में ना इस तरह से आपको टैसल्स की डिटेलिंग दिखेगी विच मेक्स इट लुक्स मोर रिचर ऑल टुगेदर. इसके साथ आता है अनस्टिच्ड ब्लाउज एंड ये जो पर्टिकुलर साड़ी है 6 yards की साड़ी है, काफ़ी लंबी साड़ी है एंड इट लुक्स वेरी वेरी गॉर्जियस. ये जो साड़ी है इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर्स मुझे दिख रहे थे बट आई थॉट टू गिव दिस कलर पैलेट अ ट्राई, जहाँ पे बेज कलर में हमारा ग्रीन प्राइमरी कलर्स बेसिकली ग्रीन एंड रेड कलर कुछ इस तरह से बने हुए हैं. नाउ ये जो पर्टिकुलर साड़ी है ना इसके साथ मैंने जो ब्लाउज स्टाइल किया है वो ये ब्लाउज़
है जो कि मैंने आप लोगों को काफ़ी दिन पहले भी दिखाया था, ये मैंने लाजपत नगर से अगेन लिया है। काफ़ी रिच एम्बेलिशमेंट्स है इसमें, इसमें काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ऐसे दिखा रही हूँ मैं इसलिए ताकि आपको लाइट के थ्रू पता चले कि इसमें सिक्विन वर्क की भी डिटेलिंग है। इट्स अ प्लंज नेक, काफ़ी डीप नेक है, सो इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल डीप नेक वाली ब्लाउजेज में, आप इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करके, जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी हुई है, उस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो। अदरवाइज ऑब्वियसली यू कैन गो एंड जस्ट स्टाइल इट इन दिस वे। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, अभी मैंने फिलहाल पिन विन लगाया तो इसलिए ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है ये। सो आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना जा रही हूँ। सो ये इस तरह से हम स्टाइल करेंगे। नाउ एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ये गोल्डन चैन वाली ले रखी है, एंड फिंगर के लिए यहाँ पे ये इस तरह से ये रिंग ले रखा है। सो दिस इज़ द एक्सेसरीज सेक्शन। ऑल्सो मैं फुटवेयर में क्या ले रही हूँ, सो फुटवेयर में आई एम गोइंग अहेड विद दीज ट्रैपी हील्स अगेन, एंड टू कम्प्लीट द लुक आई वुड टेक दिस क्लच, एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्टी वियर साड़ी हॉल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कौन सी साड़ी अच्छी लगी। आई हैव मैंशन ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड ऑल्सो ऑल ऑफ दीज साड़ीज आर फ्रॉम अमेजोन, तो वो सारी की सारी साड़ियों का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कॉमेंट्स का रिप्लाई करना। एंड यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।